टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। अभी नेपाल में ना प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोग रोड पे आ चुके हैं एंड दे आर डिमांडिंग टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग क्या है कि किंग शुड कम बैक, और सेकेंडली क्या है कि दे वॉन्ट कि नेपाल फिर से हिंदू राज बने। एक टाइम की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनली नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राज था, तो ये चाहते हैं ये दोनों चीजें फिर से वापस हो जाए। अभी क्या है ना, जो अभी का जो सेटअप है, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचंडा है, और इनकी ना एक मिली जुली सरकार है। किसके साथ इन्होंने मिला रखी है सरकार, ये है बहादुर द्योबा। तो लोग क्या कह रहे हैं कि दे आर डिमांडिंग दैट किंग प्लीज कम बैक, सेव आवर कंट्री, वी वांट द मोनार्की बैक एंड अबॉलिश द रिपब्लिक। आप फोटो में भी देख सकते हैं, इनफैक्ट वीडियो भी सेटअप है उसका, कि कितने सारे लोग रोड पे आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस के अगेंस्ट भी पथराव कर रहे हैं। ये देखिए वीडियो में। जो अभी का सेटअप है ना, वो इंडिया के लिए अच्छा कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं करंटली पुष्प कुमार दहल प्रचंडा, एंड उनकी जो मिलीजुली सरकार है किससे बनी हुई, के हेल्प से बनी हुई है, शेर बहादुर त्यूबा की मदद से बनी हुई है। ये लोग क्या है कि इंडिया और यूएस के प्रो तो मैं नहीं कहूंगा, बट स्टिल एंटी भी नहीं है। इससे पहले जो केपी ओली थे वो बहुत ही ज्यादा एंटी इंडिया हो चुके थे। उसके कारण क्या है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन बहुत ज्यादा स्पॉइल हो गए थे, क्योंकि वो सिर्फ ब्लाइंडली चाइना को ही फॉलो कर रहे थे, जो कि ठीक नहीं था। क्योंकि नेपाल और हमारा रिश्ता तो रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है, और इनफैक्ट नेपाली तो बहुत सारे अलाउड है, कुछ सिविल सर्विसेज की भी जॉब्स होती हैं उसमें भी। अभी वाला जो सेटअप है ये इंडिया के लिए तो बेटर है। अच्छा, हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें जो मोनार्की की है, ये कब से मोनार्की की चीज़ें स्टार्ट हुई थी और पहले क्या सेटअप था नेपाल के अंदर। तो नेपाल के जो लास्ट किंग थे ज्ञानेंद्र, इनको क्या एक तरीके से निकाल दिया गया था, या कह लो कि ही वॉज ऑउस्टेड इन 2006। 2 years लेटर नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेसी एंड मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया था, और कह सकते हैं कि आप जो डेकेड लॉन्ग वॉइस इंसर्जेंसी थी वो भी उसके साथ एंड हो चुकी गई थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, सिंस गानेन हैज बीन लिविंग इन नेपाल एज अ प्राइवेट सिटीजन विद नो पावर और स्टेट प्रोटेक्शन, उनको कुछ भी नहीं मिली थी। आज पर मोनार्की के ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि मोनार्की की शुरुआत कब और किसने नेपाल में की, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। अच्छा, जो पृथ्वी नारायण शाह है ये पहले किंग थे नेपाल के। ही वॉज बॉर्न इन January 11 1723 इन द गोरखा किंगडम। शाह इज कंसिडर्ड फादर ऑफ नेशन इन नेपाल। नेपाल वॉज मेड ऑफ मेनी स्मॉल किंगडम। शाह इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनिफाइड नेपाल, क्योंकि उन्होंने जितने भी स्मॉल किंगडम्स थे उनको जीत के एक यूनिफाइड नेपाल, जैसे हम मैप में भी देख सकते हैं, उसको बनाया था और एक मोनार्की का एस्टैब्लिशमेंट किया था। अभी क्या है, जो मोनार्की 2008 में अबॉलिश हो गई थी, जो कि लास्ट हमारे किंग कौन थे, ज्ञानेंद्र थे, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा था।
अच्छा जो ये नेपाल का जो मैप है आप देख रहे हो, गोरखा एम्पायर ऊपर आप देख सकते हो, ब्रिटिश इंडिया नीचे है और सिख एम्पायर भी है। अच्छा 1700 से 2000 की मोनार्कियल जो हिस्ट्री नेपाल की, इट्स चेकर्ड विद वायलेंस। जैसे आप 2001 में देख सकते हैं, 9 मेंबर्स थे नेपाल रॉयल फैमिली के, जिसमें से किंग बीरेन, उनका असैसिनेशन हो गया था एंड उसके बाद ही ज्ञानेंद्र थ्रोन पे आए थे। अब क्या है कि ज्ञानेंद्र इतने स्ट्रॉन्ग किंग नहीं थे, या कह लो कि एक जो भी इनके इससे पहले किंग आए थे उनके कंपैरिजन ये वीक थे और बहुत पावरफुल नहीं थे। इसके कारण क्या हो गया था कि एक तरीके का कू हो गया था, कू इन द सेंस कि ये चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाया। और बैकग्राउंड में जैसे कि महेंद्र थे इनसे पहले, वो बहुत स्ट्रांग थे, तो उनका एक विजन भी था, इनका एक विजन भी लैक करता था। तो इसके कारण क्या है ना कि ये सरकार या कह लो कि मोनार्की को चला नहीं पाए। एंड फिर क्या हुआ, नेपाल वॉज डिक्लेयर एज अ सेकुलर स्टेट फ्रॉम अ हिंदू स्टेट लेटर, और पार्लियामेंट ने एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई कर लिया गया। अब उसमें केपी ओहली जब आए तो उनका और जो दूसरे थे दलाल, उनके बीच जो अपोजिशन लीडर थे उनके बीच में भी एक पावर टसल क्रिएट हुआ। तो प्रोटेस्ट जो अभी बाद में हुआ ना, तो उसमें क्या, इट वॉज लेड बाई प्रसाद मॉइस एक्टिविस्ट एंड सेंट्रल कमिटी मेंबर ऑफ द केपी ओहली लेड कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा इनके ऊपर ना 750 मिलियन नेपाली रुपीस का लोन डिफॉल्ट भी है, एंड जो कि लेंड बाय नाबिल बैंक। अच्छा प्रसाई वाज फॉर्मली सिंपैथेटिक टू द मॉइस्ट, वाज इलेक्टेड टू द प्रेजेंट सीपीएन यूएमएल इन अक्टूबर 2021 आफ्टर रिसीविंग अ नॉमिनेशन फॉर द सेंट्रल कमिटी इन दिसंबर 2021। प्रसाई वाज गिवन द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी हेड। अब सिंस क्या है कि लोन डिफॉल्ट में इनका नाम आ गया है, तो इन्हें पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है। मार्च 2023 में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इनको जो भी ये एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके लिए इनको स्टॉप भी किया था। अभी इनको क्या है ना, अपना पॉलिटिकल करियर बनाना ही है, तो इन्होंने प्रो मनाकी प्रोटेस्ट कह लो एक तरीके से स्टार्ट कर दिए हैं। एंड युवा संघ जो भी है इन्वॉल्व इनके साथ, वो भी डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है। तो अब देखते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है दहल वो आती है, या केपी ओली वापस आते हैं, या फिर से जो मोनार्की है वो वापस आती है। तो अभी का जो प्रोटेस्ट है बेसिकली इट इज अ सिटीजन मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द नेशन, नेशनलिज्म, रिलीजन एंड कल्चर, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, एंड कई नेपालीज जो है ना वो यूक्रेन वॉर में भी लड़ने गए, तो वहां पर भी उनको शायद मनी वगैरह नहीं मिला है। तो जो भी होगा इससे रिलेटेड मैं एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। टिल देन स्टे ट्यून टू योर चैनल गुरुकुल IAS। जय हिंद, टेक केयर।